गाइस हम लोग अब देखिए आज नई सुबह है, नया ट्रिप स्टार्ट हो गया है हमारा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ और ये कैमरा मेरे हाथ में क्यों है। द रीज़न बीइंग आज ये जो हमारा ट्रिप चल रहा है ये हमारे नेबर्स या ब्रदर्स या कुछ भी कह लीजिए इनके साथ चल रहा है। हेलो, ड्राइविंग सीट पे आनंद, पीछे बैठे है हमारे छोटे से मिनी अभी, से हाय साक्षी, अंशिका एंड वो पीछे वत्सला। तो अब सरप्राइज ये है कि हम लोग आज एक कलेक्टिव ट्रिप पे जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। रास्ता हम आपको दिखाएंगे चलते हुए रास्ते में। अभी इस समय है हम लोग मेरठ एक्सप्रेस वे पे, सनराइज हो रहा है सुबह सुबह, बड़ी अच्छी सी मॉर्निंग हो रही है। चलिए आपको साथ लेके चलते हैं अपने साथ दिल्ली टू जिम कॉर्बेट के ट्रिप पर, रोड ट्रिप पर। अभी इस समय हम लोग हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे। यहाँ से हम लोग रूट फॉलो करेंगे जो वो होगा हापुड़ का। हापुड़ के आगे गड़गंगा आएगा, फिर गजरोला आएगा, और जैसे जैसे जो जो टोल्स की इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको साथ साथ देते हुए चलेंगे। अभी हम लोग जो निकले हैं वो समय अराउंड 6:30 के आसपास निकले हैं। कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर्स हमारा एग्जैक्टली रिजॉर्ट तक लगता है वो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे साथ साथ। स्पेशली जो वीडियो रोड ट्रिप होने वाला है ये हमारा XUV700 में होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया था रूट, हम जो स्टार्ट करेंगे, हम जो निकलेंगे एग्जिट करेंगे इस मेरठ एक्सप्रेस वे को, वो करेंगे हापुड़ की तरफ। तो यहीं से ही आपका एक कट आता है जो लेफ्ट गाजियाबाद या हापुड़ की तरफ निकलता था, हम वही लेफ्ट लेंगे यहाँ से। और दूसरा मैं आपको ये भी अपडेट कर दूँ कि जो हमारा गूगल मैप जो टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है वो है समवेयर अराउंड 5 hours and 30 minutes, और अभी जो किलोमीटर्स बचे हैं वो है, लेट मी जस्ट चेक, मैं आपको बताता हूँ कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है। 261 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी जो है बचा है। टोटल अगर हम कैलकुलेट करें घर से तो समय अराउंड 280 के आसपास था, अब 261 बचा है। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड हम कितने रुकते हैं बीच में, वो हमारा टाइम शो करेगा कि हमें हम कितनी देर में पहुँचते हैं। तो जो भी अपडेट होगा रिगार्डिंग द टाइम, रिगार्डिंग द टोल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट्स इन बिटवीन रोड पे, तो वो है। ये जो ऊपर वाला रोड है वो मेरठ एक्सप्रेस वे है, और जो नीचे है वो रोड आपका वो हापुड़ है। तो हमने इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन मेरठ एक्सप्रेस वे हमने नीचे की तरफ ले लिया है। यहीं से ही आपका एक रोड जो है वो हापुड़ के लिए कट जाएगा। और जब भी आप नैनीताल जाना चाहते हैं या उस साइड आप अल्मोड़ा या उत्तराखंड उस रीजन में जाना चाहते हैं तो आपको यही रूट फॉलो करना पड़ेगा इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो मेरठ एक्सप्रेस आप ले सकते हैं दिल्ली से बिल्कुल, जो आपका अक्षरधाम से पहले से स्टार्ट होता है, उसके बाद आप जो बोर्ड साइन बोर्ड्स देख के आप हापुड़ की तरफ टर्न दे लीजिए। अगेन इस पुल के नीचे से एक रोड जाएगा अगेन, जो कि आपको हापुड़ वाले एक्सप्रेस वे पे ले आएगा। हल्द्वानी के लिए, बरेली के लिए, हापुड़ के लिए आप ये वाला रूट फॉलो कर सकते हैं, हाईवे है आपका। हम लोग पहुंचने वाले हैं पहले टोल पे इस रूट के, जो कि करीबन 500 मीटर की दूरी पर है, जो आपको सामने दिख भी रहा होगा। अभी आपको हम टोल फीस बताते हैं। वैसे तो ये पेटीएम हमारे फास्टैग से ही कटे, और जो इसका जो प्राइस है वो है आई थिंक 165 है, बट एग्जैक्ट मैं आपको चेक कर देता हूं। 120 है फॉर सिंगल जर्नी। अगर हम 24 hours में वापस आते हैं तो 1.5 के करीबन आपके चार्जेस लगते हैं। तो ऑब्वियसली ये फास्टैग से कटेगा। अपोड़ वाले हाईवे पहला टोल, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम नोएडा या गाजियाबाद तो आपका पहला टोल पड़ेगा ये रास्ते पर। लेट्स गो। अरे ये मैनुअली स्कैन कर रहा है। ये है छछारसी टोल प्लाजा। हम लोग अभी भी उसी हापुड़ वाला एक्सप्रेसवे पे, हापुड़ तो राधा बहुत पहले से क्रॉस हो चुका है। अब जो पॉइंट आने वाला है वो है गढ़ मुक्तेश्वर, आपने सुना ही होगा गढ़गंगा के नाम से। ये इसी एक्सप्रेसवे से अभी यहाँ से लेफ्ट में एक रास्ता कटेगा जो गढ़ मुक्तेश्वर की तरफ जाएगा। हम लोग समय अराउंड 65 किलोमीटर आ चुके हैं, जो कि हमने एक घंटे में कवर कर लिया है यहाँ पर। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। यहाँ से आपको एग्जिट लेना है फॉर दी गढ़गंगा, और ये सीधा हाईवे पे आप कंटिन्यू करेंगे जो आप बार बार से यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे। एक घंटे में हमने समय अराउंड 70 किलोमीटर कवर कर लिया, तो हमारी स्पीड भी अच्छी है, एवरेज भी अच्छी है। होपफुली हम लोग गूगल टाइम के हिसाब से, वहाँ जो एस्टिमेटेड टाइम दे रहा है उसके हिसाब से वहाँ पहुँच जाएंगे। हम लोग प्लान कर रहे हैं बीच में रुकने का समय अराउंड गजरोला, जहाँ रुकते हैं
जहाँ आप रुकेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। सबसे छोटा बच्चा मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता दें, राइट। सर आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे फॉर द रोड, फॉर द कार? भाई देखो इसने कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो अच्छी बात है ना, नहीं देता तो क्या होता उसका, सोचो। हाँ दैट इज ट्रू, एडास से पहुंचते हम ना सीधा वहीं वहीं पार्क होते जाके रिजॉर्ट के अंदर। वैसे तुम उसको स्विमिंग पूल में डुबो डुबो कहीं मार सकते हो। देखो इसमें कितने घंटे दिखा रहा है अभी स्क्रीन पे, देखो 4 घंटे 19 ये ज्यादा टाइम दिखाता है गूगल, गलत टाइम दिखाता है। ये जो दूसरा टोल आया हमारे हाईवे पर, फोटो लग रहा है। अरे एक मिनट, ये सेकंड टोल है इस हाईवे का और हमारे आगे है स्कॉर्पियन। ये जो टोल है ये इसी हाईवे पर है, ये आपका अभी हमने क्या क्रॉस किया था, गढ़ मुक्तेश्वर ना, है ना, गढ़गंगा क्रॉस किया है, उसके आगे का टोल है। इसका जो प्राइस है सिंगल एंट्री 105 रुपीज है। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है, हम चाहें तो उस वाली लास्ट वाली लेन से जा सकते हैं, खाली है वो। वो भी खाली है लेन, है ना, दो तीन लेन हैं जो कि खाली हैं। इसके पीछे लग जाते हैं, यहाँ से निकलेंगे। सो सेकंड टोल हमारे रूट पे और ये 105 रुपीस का पहले वाला। नीचे जो आप देख रहे हैं गंगा जी हैं, नीचे देखिए ऊपर थोड़ी आएगी, देख लीजिए कितना मजाक हो रहा है यहाँ पर, कॉमेडी चल रही है फुल यहाँ पर। गंगा जी थोड़ी जय गंगा मैया सूख गई है अभी तो, नहीं आगे जाके थोड़ा और पानी होगा, डुबकी मार के देखो। आप एक बार फिर से बोलेंगे क्या करके देखना है? डुबकी के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, देखो यहाँ पे कहाँ जगह है सब, ये तो वैसे भी ऊपर, हाँ सारा सूख गई है गंगा जी साइड ना। ये तरबूज की खेती, तरबूज और खरबूजे की, यह तरबूज और खरबूजे की खेती हो रही है एज पर दी आनंद। तरबूज और खरबूजा, खरबूजा खरबूजा, मस्क मेलन एंड वाटर मेलन, मस्क नहीं होता है तरबूज एंड तरबूजा, मस्क मेलन ही होता है खरबूजा, येलो, आई नो दैट सर। ये देखिए हम मोड़े भी मिलते हैं, मोड़े हाँ, केन के जो सिटिंग चेयर हो गई या फिर वो स्टूल काइंड ऑफ, अभी तो बंद है शॉप्स, अर्ली मॉर्निंग है ना इसलिए। हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं गजरोला, और गजरोला में ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स एंड आउटलेट्स मिल जाएंगे आपको अगर आप ब्रेकफास्ट लंच या डिनर करना चाहते हैं। जैसे फ्रेंचाइजीज हैं लाइक मैकडॉनल्ड्स है, वैंगो है, देन कोस्टा कॉफ़ी है, प्लस ढाबाज भी हैं जैसे मोगा। मोगा सुना है हमने अच्छा है, हम जहाँ भी रुकेंगे आपको अपडेट कर देंगे। बट यस, रोड्स बहुत अच्छी हैं अभी तक, जितना भी डिस्टेंस हमने कवर किया है मैक्सिमम 6 लेन रोड्स हैं, ट्रैफिक भी इतना नहीं है, हालांकि लॉन्ग वीकेंड है, पीपल स्टिल आर गोइंग ऑन हॉलीडेज, बट अभी तक तो हमें इतना ट्रैफिक मिला नहीं है। ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही अभी तक, जितना भी हमने 100 किलोमीटर्स के अराउंड कवर किया है, अच्छे टाइम में कवर कर लिया, अच्छी स्पीड से कवर कर लिया, देर वर नो हिकअप्स इन बिटवीन। और अच्छे आउटलेट्स हैं यहाँ पर जो आप रास्ते में जैसे बोर्ड्स भी देख पा रहे होंगे, साइन बोर्ड्स भी देख पा रहे होंगे। तो अब जहाँ रुकते हैं आपको अपडेट करते हैं। जितना भी नीचे जो टाउन्स थे, जैसे हापुड़ का टाउन है वो साइड से निकल गया, गढ़ गंगा आया वो साइड से निकल गया, गजरोला का नीचे टाउन रह गया, ऊपर फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, तो हाईवे बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इस समय। जैसे देखें बीकानेर का आउटलेट भी आ रहा है गजरोला में, तो बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पर खाने के। आप कहीं पर भी रुककर आप अच्छे से अपना जो भी मील, जिस टाइम पर भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप अपना मील इंजॉय कर सकते हैं। इस गाड़ी में हम लोग आए हैं अभी XUV 700। अभी हम रुके हैं मैकडॉनल्ड्स पे, डिफरेंट आउटलेट्स हैं यहाँ पे, लिवाइस का है, मुफ्ती है, यूनाइटेड कलर्स और बेनेटॉन है। चलिए आगे आपको अपडेट करते हैं। तो हम लोग वहाँ तो नहीं रुके हैं मैकडॉनल्ड्स पे, थोड़ा सा सामान लेकर आ गए, ये हम आगे फर्दर आ गए हैं यहाँ पर हल्दीराम्स पे। चलो चलो आपे आपे जाओ। हे अभी अभी से हाय, चलो
मैं पकड़ू लग रहा है लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में ना बहुत भीड़ है हर आउटलेट पे हर रेस्टोरेंट में ठीक है क्राउड वेलकम बस ब्रेकफास्ट करके निकले हैं और ये है कुछ ऐसा व्यू काउंटर्स से हाय लोग वापस ब्रेकफास्ट करके वापस गाड़ी में आ गए हैं वी आर बैक ऑन रोड हम पहले मैकडॉनल्ड्स रुके वहाँ से हमने कुछ दो मैक एग वेजीज वाले लिए बर्गर लिए साथ में कुछ मैक पफ्स लिए फिर उसके बाद हम हल्दीराम गए वहाँ से हमने प्रॉपर परांठा और प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया करीबन 45 मिनट्स और 1 आवर का टाइम हमारा टोटल लग गया है ब्रेक लेकर बट हम वी आर बैक ऑन रोड्स अभी यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है 174 किलोमीटर्स का दिखा रहा है और जो जर्नी टाइम है अगेन हमारा ETA जो है अराउंड 1 PM का है लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं और जो भी अपडेट्स आएगा आप अपडेट कर देंगे आपको ये जो रोड जिस पर हम ट्रेवल कर रहे हैं अभी ये लखनऊ वाला रोड है पुराना अभी तो यूजली आप आगरा एक्सप्रेस वे लेते हैं अगर आप नोएडा या दिल्ली से जा रहे हैं उसके बाद अगर आप लखनऊ एक्सप्रेस वे ले लेते हैं तो आप जल्दी पहुँच जाते हैं बट पुराना हाईवे जो लखनऊ वाला वो यही है जो मुरादाबाद लखनऊ होते हुए बरेली होते हुए आपका कनेक्ट करता है लखनऊ को बाकी जो भी इम्पोर्टेंट टोल्स या इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको शेयर कर दूँगा साथ के साथ थर्ड टोल इस रूट का जो कि हम दिल्ली से जिम कॉर्बेट तक का जो रूट कवर कर रहे हैं इसके अंदर इसमें जो प्राइस है वो 70 rupees है पर एंट्री का और यहाँ भी काफ़ी भीड़ है यही रीज़न वही है लॉन्ग वीकेंड इसकी वजह से इतनी भीड़ है इतने लोग हैं लेट्स होप कि हम जल्दी से क्रॉस कर पाए लेन्स भी लोगों ने तीन तीन चार चार बना लिए हैं बीच में घुस घुस के आई थिंक हम वो लास्ट वाली लेन में जा सकते हैं तो ठीक है चलिए यहीं से चलते हैं इसमें जो एंट्री है वो 70 rupees की है अभी अभी हमने कुछ देर पहले गजरोला क्रॉस किया है प्लस नीचे जो क्रॉसिंग थी वो मुरादाबाद की थी